नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी पीयूष गोयल जी, मनसुख मांडविया जी, अश्विनी वैष्णव जी, सर्वानंद सोनोवाल जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी, जी किशन रेड्डी जी, पशुपति कुमार पारसी, जितेंद्र सिंह जी, सोम प्रकाश जी, देश भर से जुड़े स्टार्टअप की दुनिया के सारे दिग्गज, हमारे युवा साथी, अन्य महानुभाव भाइयों और बहनों, हम सभी ने भारतीय स्टार्टअप की सफलता के दर्शन किए और कुछ स्टेक होल्डर्स का प्रेजेंटेशन भी देखा। आप सभी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। 2022 का ये वर्ष भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए और भी नई संभावनाएं लेकर आया है। आजादी के 75वें वर्ष में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का ये आयोजन और भी महत्वपूर्ण है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, उस भव्य भारत के निर्माण में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। साथियों, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक बीते साल की सफलताओं को सेलिब्रेट करने का भी है और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने का भी है। इस दशक को भारत का टेकेड कहा जाता है। इस दशक में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार जो बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है, उसके तीन अहम पहलू हैं। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को सरकारी प्रक्रियाओं के जाल से, ब्यूरोक्रेटिक साइलोस से मुक्त कराना। दूसरा, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का निर्माण करना। और तीसरा, युवा इनोवेटर्स, युवा उद्यम की हैंड होल्डिंग भी करना। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया जैसे प्रोग्राम ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। अंजल टैक्स की समस्याओं को खत्म करना और टैक्स फाइलिंग को सरल करना हो, एक्सेस टू क्रेडिट को आसान बनाना हो, हजारों करोड़ रुपए की सरकारी फंडिंग का प्रबंध हो, ये सुविधाएं हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। स्टार्टअप इंडिया के तहत स्टार्टअप्स को 9 लेवर और 3 एनवायरमेंट लॉज से जुड़ी कंप्लायंसेस को सेल्फ सर्टिफाई करने की सुविधा दी गई है। डॉक्यूमेंट्स के
सेल्फ एटेस्टेशन से सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज 25,000 से अधिक कंप्लायंसेस को खत्म करने के पड़ाव तक पहुंच चुका है। स्टार्टअप्स सरकार को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस आसानी से दे पाए इसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप रनवे भी बहुत काम आ रहा है। साथियों, अपने नौजवानों के सामर्थ्य पर भरोसा, उनकी क्रिएटिविटी पर भरोसा किसी भी देश की प्रगति का अहम आधार होता है। भारत आज अपने युवाओं के इस सामर्थ्य को पहचानते हुए नीतियां बना रहा है, निर्णय लागू कर रहा है। भारत में 1,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, 11,000 से ज्यादा स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशंस हैं, 42,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं और लाखों की संख्या में स्कूल है। ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। हमारा प्रयास देश में बचपन से ही स्टूडेंट्स में इनोवेशन के प्रति आकर्षण पैदा करने, इनोवेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का है। 9,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स आज बच्चों को स्कूलों में इनोवेट करने, नए आइडियाज पर काम करने का मौका दे रही है। अटल इनोवेशन मिशन से हमारे नौजवानों को अपने इनोवेटिव आइडियाज पर काम करने के लिए नए प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। इसके अलावा देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में हजारों लैब्स का नेटवर्क हर क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देता है। देश के सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आधारित सॉल्यूशंस पर बल दे रहे हैं। हमने अनेकों हैकेथॉन्स का आयोजन करके नौजवानों को अपने साथ जोड़ा है। उन्होंने रिकॉर्ड समय में बहुत सारे इनोवेटिव सॉल्यूशन हमें दिए हैं। ये आप भी अनुभव करते होंगे कि सरकार के अलग अलग विभाग, अलग अलग मंत्रालय किस तरह नौजवानों और स्टार्टअप के साथ संपर्क में रहते हैं, उनके नए आइडियाज को प्रोत्साहित करते हैं। चाहे नए ड्रोन रूल्स हो या फिर नई स्पेस पॉलिसी, सरकार की प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इनोवेशन का मौका देने की है। हमारी सरकार ने आईपीआर रजिस्ट्रेशन से जुड़े जो नियम होते थे उन्हें भी काफी सरल कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर आज देश में सैकड़ों इंक्यूबेटर्स को सपोर्ट कर रही है। आज देश में आई क्रिएट जैसे संस्थान इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। आई क्रिएट यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी, ये संस्थान अनेकों स्टार्टअप्स को मजबूत शुरुआत दे रहा है, इनोवेशन को प्रोत्साहित कर रहा है।
और साथियों, सरकार के इन प्रयासों का हम असर भी देख रहे हैं। वर्ष 2013-14 में जहां 4000 पेटेंट्स को स्वीकृति मिली थी, वहीं पिछले वर्ष 28,000 से ज्यादा पेटेंट्स ग्रांट किए गए हैं। वर्ष 2013-14 में जहां करीब 70,000 ट्रेडमार्क्स रजिस्टर हुए थे, वहीं 2021 में 2.5 लाख से ज्यादा ट्रेडमार्क रजिस्टर किए गए हैं। वर्ष 2013-14 में जहां सिर्फ 4,000 कॉपीराइट ग्रांट किए गए थे, पिछले साल इनकी संख्या बढ़कर 16,000 के भी पार हो गई है। इनोवेशन को लेकर भारत में जो अभियान चल रहा है, उसी का प्रभाव है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग में बहुत सुधार आया है। वर्ष 2015 में इस रैंकिंग में भारत 81 नंबर पर रुका पड़ा था, अब इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46 नंबर पर है, 50 से नीचे आया है। साथियों, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत है कि वो पैशन से, सिंसियरिटी से और इंटीग्रिटी से भरा हुआ है। ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत है कि वो लगातार खुद को डिस्कवर कर रहा है, खुद को सुधार रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वो लगातार एक लर्निंग मोड में है, चेंजिंग मोड में है, नई नई स्थितियां परिस्थितियां के मुताबिक खुद को ढाल रहा है। आज किसी से ये देखकर गौरव नहीं होगा कि भारत के स्टार्टअप्स 55 अलग अलग इंडस्ट्री से काम कर रहे हैं, हर किसी को गर्व होगा। 5 साल पहले देश में जहां 500 स्टार्टअप भी नहीं थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 60,000 तक पहुंच चुकी है। आपके पास इनोवेशन की शक्ति है, आपके पास नए आइडियाज हैं, आप नौजवान ऊर्जा से भरे हुए हैं और आप बिजनेस के तौर तरीके बदल रहे हैं। आवर स्टार्टअप्स आर चेंजिंग द रूल्स ऑफ द गेम। इसलिए मैं मानता हूं स्टार्टअप्स आर गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ न्यू इंडिया। साथियों, एंटरप्रेन्योरशिप से एनवायरमेंट की ये स्पिरिट हमारे यहां डेवलपमेंट को लेकर रीजनल और जेंडर डिस्पेरिटी की समस्या का भी समाधान कर रही है। पहले जहां बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में ही बड़े बिजनेस फलते फूलते थे, आज देश के हर राज्य में 625 से अधिक जिलों में कम एक स्टार्टअप है। आज करीब आधे स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज में है। यह सामान्य गरीब परिवारों के युवाओं के आइडिया को बिजनेस में बदल रहे हैं। इन स्टार्टअप में आज लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। साथियों, जिस स्पीड और जिस स्केल पर आज भारत का युवा स्टार्टअप बना रहा है, वो वैश्विक महामारी के इस दौर में भारतीयों की प्रबल इच्छा शक्ति
और संकल्प शक्ति का प्रमाण है। पहले बेहतरीन से बेहतरीन समय में भी इक्का दुक्का कंपनियां ही बड़ी बन पाती थी, लेकिन बीते साल तो 42 यूनिकॉर्न हमारे देश में बने हैं। हजारों करोड़ रुपए की ये कंपनियां आत्मनिर्भर होते आत्मविश्वासी भारत की पहचान है। आज भारत तेजी से यूनिकॉर्न की सेंचुरी लगाने की तरफ बढ़ रहा है और मैं मानता हूं भारत के स्टार्टअप का स्वर्णिम काल तो अब शुरू हो रहा है। भारत की जो विविधता है वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हमारी डायवर्सिटी हमारी ग्लोबल आइडेंटिटी है। हमारे यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप्स इसी डायवर्सिटी के मैसेंजर हैं। सिंपल डिलीवरी सिस्टम से लेकर सर्विस से लेकर पेमेंट सॉल्यूशन और कैब सर्विस तक आपका विस्तार बहुत बड़ा है। आपके पास भारत में ही डाइवर्स मार्केट्स डाइवर्स कल्चर्स और उसमें काम करने का इतना बड़ा अनुभव है, इसलिए भारत के स्टार्टअप खुद को आसानी से दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप अपने सपनों को सिर्फ लोकल न रखें, ग्लोबल बनाएं। इस मंत्र को याद रखिए, लेट अस इनोवेट फॉर इंडिया, इनोवेट फ्रॉम इंडिया। साथियों, आजादी के अमृत काल में ये सबके लिए जुट जाने का समय है। ये सबका प्रयास से लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का समय है। मुझे खुशी हुई जब एक ग्रुप ने पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लेकर अहम सुझाव दिया। गतिशक्ति प्रोजेक्ट में जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसका उपयोग ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए किया जा सकता है। इस मास्टर प्लान में आज ट्रांसपोर्ट पावर टेलीकॉम सहित पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रिड को सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। मल्टी मॉडल और मल्टी पर्पज एसेट्स के निर्माण के इस अभियान में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। इससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए चैंपियंस के निर्माण को भी बल मिलेगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग चीप मैन्युफैक्चरिंग क्लीन एनर्जी और ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े अनेक सेक्टर्स में देश के एम्बिशियस प्लान्स आपके सामने हैं। हाल में नई ड्रोन पॉलिसी लागू होने के बाद देश और दुनिया के अनेक इन्वेस्टर्स ड्रोन स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आर्मी नेवी और एयरफोर्स की तरफ से करीब 500 करोड़ रुपए के ऑर्डर ड्रोन कंपनियों को मिल चुके हैं। सरकार बड़े पैमाने पर गांव की प्रॉपर्टी की मैपिंग के लिए आज ड्रोन का उपयोग कर रही है। स्वामित्व योजना के लिए अब तो दवाओं की होम डिलीवरी और एग्रीकल्चर में ड्रोन के उपयोग का दायरा बढ़ रहा है, इसलिए इसमें बहुत संभावनाएं हैं। साथियों, तेजी से होता हमारा शहरीकरण भी एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है। आज अपने मौजूदा शहरों को डेवलप करने और नए शहरों के निर्माण के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। अर्बन प्लानिंग हमें बहुत काम करना है उस क्षेत्र में। इसमें भी हमें ऐसे वॉक टू वर्क कंसेप्ट
और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एस्टेट का निर्माण करना है जहां श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए बेहतर अरेंजमेंट्स हो। अर्बन प्लानिंग में नई संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। जैसे यहां एक ग्रुप ने बड़े शहरों के लिए नेशनल साइकिलिंग प्लान और कार फ्री जोन्स की बात रखी है। ये शहरों में सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए बहुत जरूरी है। आपको मालूम होगा, मैं जब COP26 की समिट में गया था तब मैंने एक मिशन लाइफ की बात कही है, और ये लाइफ का मेरा जो कंसेप्ट है वो ये है कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ। और मैं मानता हूं कि हमने लोगों में उन चीजों को लाने के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करें, जैसे एक P3 मूवमेंट आज अनिवार्य है, प्रो प्लेनेट पीपल P3 मूवमेंट। हमें जब तक जन सामान्य को एनवायरमेंट के लिए जागरूक नहीं करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की खिलाफ की जो लड़ाई है उसके सिपाही नहीं बनाएंगे, हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। और इसलिए भारत मिशन लाइफ को लेकर के अनेकविध देशों को अपने साथ जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। साथियों, स्मार्ट मोबिलिटी से शहरों का जीवन भी आसान होगा और कार्बन एमिशन के हमारे टारगेट्स को अचीव करने में भी मदद मिलेगी। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े मिलेनियल मार्केट के रूप में अपनी पहचान को भारत लगातार सशक्त कर रहा है। मिलेनियल आज अपने परिवारों की समृद्धि और राष्ट्र की आत्मनिर्भरता दोनों के आधार हैं। रूरल इकोनॉमी से लेकर इंडस्ट्री 4.0 तक हमारी जरूरतें और हमारा पोटेंशियल दोनों असीमित है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी से जुड़े रिसर्च और डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट आज सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन बेहतर होगा कि इंडस्ट्री भी इसमें अपना योगदान, अपना दायरा बढ़ाए। साथियों, 21वीं सदी के इस दशक में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, देश में भी बहुत बड़ा मार्केट तो अब खुल रहा है। हमने डिजिटल लाइफस्टाइल में अब जाकर कदम रखा है। अभी तो हमारी करीब आधी आबादी ही ऑनलाइन हुई है। जिस स्पीड से, जिस स्केल पर, जिस कीमत में आज गांव गांव, गरीब से गरीब तक सरकार डिजिटल एक्सेस देने के लिए काम कर रही है, उससे बहुत कम समय में भारत में करीब 100 करोड़ इंटरनेट यूजर होने वाले हैं। जैसे जैसे दूर सुदूर क्षेत्रों में लास्ट माइल डिलीवरी सशक्त हो रही है, वैसे वैसे ग्रामीण मार्केट और ग्रामीण टैलेंट का बड़ा पुल भी बनता जा रहा है। इसलिए मेरा भारत के स्टार्टअप से आग्रह है कि गांव की तरफ भी बढ़े। ये अवसर भी है और चुनौती भी। मोबाइल इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो या फिजिकल कनेक्टिविटी, गांव की आकांक्षाएं आज बुलंद हो रही हैं। रूरल और सेमी अर्बन एरिया एक्सपांशन की नई वेव की राह देख रहे हैं। स्टार्टअप कल्चर ने आइडिया को जिस प्रकार डेमोक्रेटाइज किया है, उसने महिलाओं और लोकल बिजनेस को एम्पावर किया है। आचार पापड़ से लेकर हैंडीक्राफ्ट तक अनेक लोकल प्रोडक्ट्स का दायरा आज व्यापक रूप से बढ़ा है।
जागरूकता बढ़ने से लोकल के लोग उसके लिए लोग वोकल हो रहे हैं। और अभी जब हमारे जयपुर के साथी ने कार्तिक ने लोकल को ग्लोबल की बात कही और उन्होंने वर्चुअल टूरिज्म की बात कही, मैं आग्रह करूंगा आप जैसे साथियों को कि आजादी के 75 साल हो रहे हैं, क्या आप देश के स्कूल कॉलेज के बच्चों का एक कंपटीशन करें और वे अपने जिले में अपने शहर में आजादी से जुड़ी जो घटनाएं हैं, जो स्मारक है, इतिहास के जो पन्ने हैं, उसका वर्चुअल क्रिएटिव वर्क करें और आप जैसे स्टार्टअप उसको कंपाइल करें और आजादी के 75 साल निमित्त वर्चुअल टूर के लिए देश को निमंत्रित किया जाए। आजादी के अमृत महोत्सव में स्टार्टअप दुनिया का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, तो आपका विचार अच्छा है, उस विचार को किस रूप में लाया जाए उसकी अगर आप शुरुआत करेंगे तो मैं पक्का मानता हूं कि इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, कोविड लॉकडाउन के दौरान हमने देखा है कि लोकल स्तर पर कैसे छोटे छोटे इनोवेटिव मॉडल्स ने लोगों का जीवन आसान किया है। छोटे लोकल बिजनेस के साथ कोलैबोरेशन का एक बहुत बड़ा अवसर स्टार्टअप्स के पास है। स्टार्टअप्स इन लोकल बिजनेस को एम्पावर कर सकते हैं, एफिशिएंट बना सकते हैं। छोटे बिजनेस देश के विकास की रीढ़ है और स्टार्टअप्स नए गेम चेंजर है। ये साझेदारी हमारे समाज और इकोनॉमी दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, विशेष रूप से विमेन एम्प्लॉयमेंट को इससे बहुत बल मिल सकता है। साथियों, यहां एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ एजुकेशन टूरिज्म सहित हर सेक्टर में सरकार और स्टार्टअप की साझेदारी को लेकर अनेक सुझाव आए हैं। जैसे एक सुझाव आया था कि हमारे यहां जो दुकानदार है वो उसकी जो कैपेबिलिटी उसका मुश्किल से 50-60% उपयोग कर पा रहा है और उन्होंने एक डिजिटल सॉल्यूशन दिया ताकि उसको पता रहे कि कौन सा सामान खाली हो गया है, कौन सा लाना है वगैरह। मैं आपको एक सुझाव दूंगा, आप उस दुकानदार को उसके जो ग्राहक है उसके साथ भी जोड़ सकते हैं, तो दुकानदार ग्राहक को सूचना कर सकता है कि आपकी ये तीन चीजें 3 दिन के बाद खाली हो जाने वाली है, आपके घर में ये 7 चीजें 5 दिन के बाद खाली हो जाने वाली है, उसको मैसेज जाएगा तो घर वाले जो है उनको भी डिब्बे नहीं खगालने पड़ेंगे किचन में कि सामान है कि नहीं है, फलाना है कि नहीं, टिकना है कि नहीं है। ये आपका दुकानदार ही उसको मैसेजिंग कर सकता है एंड आप इसको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ दुकान की एफिशिएंसी नहीं, परिवार की रिक्वायरमेंट के लिए भी उनको दिमाग खपाना नहीं पड़ेगा, आपका मैसेज ही चले जाएगा कि आपकी हल्दी 1 महीने के लिए ले गए थे, 3 दिन के बाद खत्म होने वाली है। तो आपको बाजार एक बहुत बड़ा आप एग्रीगेटर बन सकते हैं, आप एक बहुत बड़ा ब्रिज बन सकते हैं। साथियों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि युवाओं के हर सुझाव, हर आइडिया, हर इनोवेशन को सरकार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। देश को आजादी के 100वें वर्ष की तरफ ले जाने वाले ये 25 साल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये इनोवेशन यानी आइडियाज, इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट का नया दौर है। आपका श्रम भारत के लिए है, आपका उद्यम भारत के लिए है, आपकी वेल्थ क्रिएशन भारत के लिए है, जॉब क्रिएशन भारत के लिए है। मैं आपके साथ मिलकर के, कंधे से कंधा मिलाकर के, आप नौजवानों की ऊर्जा को देश की ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। आपके सुझाव, आपके आइडियाज, क्योंकि आप एक नई जनरेशन है
जो नए तरीके से सोचते हैं, जो व्यवस्थाओं को समझना स्वीकारना बहुत आवश्यक हो गया है। और मुझे विश्वास है कि 7 दिन के मंथन से जो चीजें निकली हैं, सरकार के सभी विभाग इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए सरकार में इसका कैसे उपयोग हो, सरकार की नीतियों में कैसे इसका प्रभाव हो, सरकार की नीतियों के द्वारा समाज जीवन को इसको कैसे लाभ करता हो, इन सारे विषयों का लाभ होने वाला है। मैं इसलिए आप सबको इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए आपका अमूल्य समय, क्योंकि आप आइडियाज की दुनिया के लोग हैं और इसलिए आपका समय आइडियाज में ही रहता है और वो आइडियाज आपने सबके बीच बांटे वो भी एक बहुत बड़ा काम है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति का पावन पर्व अभी भी हवा में वही माहौल है, उस बीच कोरोना में आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।